जब यातायात पुलिस की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने पहुंचे मंत्री के पीएसओ तो बात क्या होगी। वहीं आरटीओ पर रौब जताते हुए गाड़ी को छुड़वाने की कोशिश भी की लेकिन खाली हाथ ही रह गए। यह मामला है गुना जिले का, जहां अंबेडकर भवन चौराहे पर आरटीओ दीपक मांझी ने अपनी चेकिंग शुरू की, जिसमें उन सभी गाड़ियों को पकड़ा जा रहा था जो नियम विरुद्ध चल रही थीं, या फिर जिन गाड़ियों के नंबर प्लेट गलत लगी हुई थी या गाड़ी पर कोई ऐसा सामान लगा हुआ था जो अवैधानिक हो। ऐसे में सरपंच की गाड़ी आरटीओ के द्वारा पकड़ी गई, जिसको छुड़वाने के लिए श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के पीएसओ मौके पर पहुंच गए। वहीं आरटीओ पर दबाव बनाते हुए गाड़ी छोड़ने की बात भी कही, लेकिन आरटीओ दीपक मांझी उनसे नहीं डरे और डटे रहे। वहीं उन्होंने कहा कि गाड़ी का चालान बनेगा क्योंकि नंबर प्लेट के ऊपर सरपंच लिखा हुआ है। फिर होना क्या था, आदरणीय मंत्री जी के पीएसओ उक्त सरपंच को अपनी गाड़ी पर बैठाकर खाली हाथ वापस लौट गए, साथ ही कई देर तक गाड़ी वहां पर खड़ी भी रही। सरपंच की गाड़ी पकड़ी है जिसके लिए मंत्री जी का पीएसओ आया था छुड़वाने के लिए, तो क्या है वो मामला थोड़ा बताएं। उसमें मंत्री जी का एक पीएसओ भी आया था छुड़वाने के लिए, तो वो गाड़ी नियम सबके लिए बराबर, तो क्या उन्होंने बताया कि मंत्री की गाड़ी या मंत्री की गाड़ी आया था।